सो हाय गाइस, आज मैं एक ऐसा ट्रेंडिंग के ड्रामा लेकर आई हूँ जो कल ही रिलीज हुआ है और ये इसका सेकेंड सीजन है। फर्स्ट सीजन इतना ज़्यादा सुपर हिट गया था कि प्रोड्यूसर एक ही साल में इसका सीजन 2 लेकर आए हैं और इसका नाम है द सेवेंथ स्केप सीजन 2। और ये बेसिकली एक थ्रिल के ड्रामा है और इसके फर्स्ट सीजन के सारे एपिसोड आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। सो बिना किसी देरी के हम इसका फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक इंट्रो सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें एक औरत दिखाई जाती है जो कि एक रूम में बंद होती है और वहाँ पे जो दामी थी उसके बचपन की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ होती है और वो खुद भी प्रोजेक्टर में दामी की पुरानी वीडियोज़ देख रही होती है जब वो छोटी थी, जब वो फर्स्ट टाइम स्कूल गई थी और जब उसका मर्डर हुआ था, उसे गोली लगी थी, उसे भी वो बार बार रिपीट करके देख रही होती है पर हमें उस औरत की शक्ल नहीं दिखाई जाती है। फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ब्यूटीफुल सा प्लेस दिखाया जाता है जहाँ पे एक कार जा रही होती है और उस कार में बैठा होता है तेक जो कि किसी हॉस्पिटल की तरफ जा रहा होता है। देन जब वो उस हॉस्पिटल में पहुंचता है, डोर खोलता है तो वो एक लड़के को देख के काफ़ी खुश होता है और वो लड़का और कोई नहीं तो यौन होता है और वो उसे देखकर उसे गले लगा लेता है और दोयन भी उसे देखकर बोलता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, क्या तुम सच में तेग ही हो? तो बोलता है हाँ, और मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम जल्दी ठीक हो गए, मुझे लगा था कि अभी तुम्हें और टाइम लग जाएगा पर भगवान की दया से तुम बहुत जल्दी ठीक हो गए। जिसमें दोयन उसे बोलता है कि जो मिस्टर ली है उनके साथ क्या हुआ। देन हमें बैक का सीन दिखाया जाता है कि जब दोयन को के गोली मारकर वहाँ छत में छोड़ देता है तो तेक और ली वहाँ पे जाते हैं उसे बचाने के लिए और मिस्टर ली उसे एक पेन ड्राइव देता है और ये बोलता है कि ये लुका का एक्सेस है, इससे तुम सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो। तभी वहाँ पे एक टावर गिरता है और शायद वहीं पे मिस्टर ली मर गए होते हैं। देन हम बैक टू रियलिटी आते हैं जिसमें वो दोनों काफ़ी रोते हैं। उसके बाद तेक दोयन को अपने साथ लेकर जाता है और दोयन उससे सबके बारे में पूछ रहा होता है जिसमें तेक उसको वो पेन ड्राइव देता है और बोलता है कि ये लुका का एक्सेस है, मैंने बहुत ट्राई किया पर मुझे इसमें मतलब पासवर्ड नहीं पता चला इसका तो मैं इसे नहीं खोल पाया। आई होप कि तुम इसका पासवर्ड खोल पाओ। तभी वो देखता है वहाँ पे मिस्टर जो के थे ना उनकी एक बड़ा सा होल्डिंग लगा होता है तो वो उसे बोलता है कि ये सब क्या है। जिसमें तेक उसे बताता है कि जो के था उसने अपने आप को मिस्टर ली बना दिया और अपने फिंगरप्रिंट सब कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और पुलिस रिकॉर्ड में भी अपने आप को मिस्टर ली बना दिया। और तेक उसे बताता है कि जो तुम्हारे फादर की कंपनी है वो पूरी की पूरी शट डाउन होने वाली है और अब लोग तुमसे बहुत नफरत करते हैं और तुम वांटेड हो क्योंकि उन्हें लगता है कि तुमने अपने पिता को मारा है। और फिर वो उसको बोलता है कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो बताते हैं कि तुम जल्दी समझ जाओगे हम कहाँ हैं। तो फिर उसके बाद वो उसे कहीं लेकर जाता है, कोई गोदाम जैसी जगह में होती है और वहाँ पर एक औरत बैठी होती है और जब वो पलटती है तो वो उसकी बुआ होती है, मतलब उसके फादर की स्टेप सिस्टर होती है वो। तो उसके बाद वो उसे देख के बोलती है कि तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह लगते हो और ये मतलब जो मेरे भाई हैं वो बहुत अच्छे फिजिक्स और मैथ्स में बहुत अच्छे थे तो आई होप कि तुम भी सेम वैसे ही होंगे। और बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई के बेटे हो, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी माँ की बहुत रिस्पेक्ट करती थी और उस मिस्टर के ने तुम्हारी माँ को मार डाला, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ कि ताकि इसको जस्टिस मिल सके। उसके बाद वो उसको क्रेडिट कार्ड वगैरह देती है और बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी तो ये है तो इन्हें रख लो। तो जिसमें वो बोलता है कि मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए तो वो खुश होती है और बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है तो मैं जो कंपनी है उसे अपने नाम कर लूँगी, अपने पास रखूँगी। तो बोलते हैं हाँ तो मैं जो करना है कर लो और मैं ये एक्सेप्ट तब तक नहीं करूँगा जब तक मैं मिस्टर केक को मारना डालूँ या उसकी सारी सच्चाई दुनिया को बताना दूँ। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है एरोप्लेन में जहाँ पे एक आदमी मिस्टर के का पूरा वो एक इंटरव्यू देख रहा होता है और वो आदमी हमें काफ़ी सस्पिशियस लग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर के को जो कि अब मिस्टर ली बन गया था ऑफिशियली और उसके साथ ग्योम भी होती है और बाकी के 5 लोग भी होते हैं
जैसे कि ऑफिसर नामचुल, डॉक्टर चा और जिनमो और हानमुन और मिसगो, ये सब इसके साथ ही होते हैं। और वो बोल रहा होता है कि अब मैं ऑफिशियली मिस्टर ली बन गया हूँ, इसी खुशी में मैं तुम्हें कुछ अच्छा गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो मैंने उन सब के अकाउंट में 5,000 मिलियन डॉलर्स डलवा दिए हैं। और वो उन सबको ऐसे, वो जो बैंक अकाउंट वो होता है ना पासबुक, उन्हें ऐसे फेंक के दे रहा होता है, जिसमें जो नामचुल होता है वो फटाफट से वो पैसे लेने जा रहा होता है। तब तक वो उसके हाथ में पैर रख देता है और कहता है कि मैं तुम पे भरोसा कैसे करूँ, तुम पहले वो सारा पैसा लेके भागने वाले थे। जिसमें डॉक्टर चाहती और बोलती है कि हम नहीं करेंगे, हम आपके वफ़ादार हैं, आपको पता है ना आपके लिए हमने कितना कुछ किया है। तो फिर वो उन्हें छोड़ देता है। बाकी जो मिस को होती है वो भी पैसे उठा लेती है, पर जो जन्मो होता है और मून हानमून होती है ना, वो पैसे नहीं उठाते और वो मना करती है हानमून की, मैं नहीं उठाऊंगी पैसे, तुम्हें तो जो चाहिए था हमने दे दिया ना बस। तो वो जो उसमें जन्मो बोलता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, इन्होंने हमें प्रॉमिस किया था ना कि ये हमें फेम देंगे, फेमस करेंगे, तो फिर हमें इनकी बात माननी पड़ेगी। और वो पैसे उठा के वापस आता है। जिसमें उसके मन में चल रहा होता है मिस जो का बदला लेना है, इसीलिए मुझे इसके साथ ही रहना पड़ेगा। और वो कुछ प्लानिंग भी कर रहा था शायद मिस्टर के को टेक डाउन करने के, और वो हानमून के साथ था। देन उसके बाद मिस्टर के जनमोहन को बोलता है कि तुम्हें अब पॉलिटिक्स में उतरना पड़ेगा और जो मिस गो है वो तुम्हारी हेल्प करेंगी। जिसमें ग्योम बोलती है कि जो मिस गो है वो तुम्हारी वाइफ बनेगी, तो तुम तैयार हो जाओ शादी के लिए। देन उसके बाद जो जन्म होता है वो मैडम नो के घर के बाहर होता है और वहाँ पे उसके बारे में सोच रहा होता है। और जो वो पासबुक थी उसको फाड़ देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूँगा। तभी उसे सामने कोई दिखाई देता है और उसे सडनली मिस नो की याद आती है, जिन्होंने मरते टाइम उसे कहा था कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो और मेरी बेटी हाना का ध्यान रखना। जिसमें वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं हूँ और ना मैं तुम्हारी बेटी का ध्यान रख पाया, मैं कोई भी प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ हम मुनचुल को देखते हैं और डॉक्टर चा को देखते हैं, जो कि बाद में बैठ के पी रहे होते हैं। जिसमें मुनचुल को एक कॉल आता है और उसे लगता है कि के का कॉल है, तो वो फटाफट से उठाता है और बोलता है कि मैंने बहुत जल्दी फ़ोन उठा दिया, पर एक्चुअल में वो पता नहीं मतलब रैंडम इंसान का कॉल था। तो वो गुस्सा करता है और बोलता है तुमने मुझे इस टाइम कॉल क्यों किया, तुम कौन हो बताओ, और चिल्ला रहा होता है। जिसमें उसकी मतलब जो डॉक्टर चा होती है वो मना बोलती है कि मतलब ऐसे मत चिल्लाओ, तुम इतना हड़बड़ी क्यों करते हो, फ़ोन साइड रख दो इस टाइम। और उसे बोलती है कि अब तो गुस्सा कम कर लो, अब तो हम बहुत ज़्यादा अमीर बन गए हैं। और वहाँ पे अनाउंस करती है कि आज जितने भी यहाँ पे लोग हैं मैं सबका बिल भरूँगी, तो तुम्हारा जो मन है वो खाओ। और जो नामचुल होता है वो भी सबको बोलता है कि ठीक है सब अपने लिए अच्छे अच्छे शैम्पियन मंगाओ और मीट मंगवाओ। पर इन दोनों के मन में एक ही चीज़ चल रही होती है कि हमने इतना सब कुछ तो पा लिया पर फिर भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों मिस्टर के गुलाम थे और इनके पास फ्रीडम नहीं थी जो इन्हें चाहिए थी। दूसरी तरफ हम हानमून को देखते हैं, जो कि अपने रूम में होती है और वो बहुत गुस्सा रखी होती है, और वो उसको वो जो पासबुक होती है ना उसे देख के उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और वहीं पे एक फ़ोटो रखी हुई होती है, एक पोस्टर टाइप, उस पोस्टर को खोलती है तो वो, और वो पोस्टर दो यून का होता है। और उसको याद आता है कि दो यून को जब के ने गोली मारी थी तो उसकी हेल्प करने के बजाय वो वहाँ से भाग गई थी क्योंकि उसको अपना फेम चाहिए था। तो वो उसे सोच के उसको सॉरी बोल रही होती है। देन वो वहाँ से निकलती है, अपने मॉम के रेस्टोरेंट के बाहर होती है और अपनी मॉम को दूर से देखती है। और जब वो वहाँ से घर जा रही होती है ना, तभी वो सुनती है कि कोई बच्ची उन्हें ग्रैंडमा बोल रही है, दादी बोल रही है। तो वो पीछे देखती है तो वो हाना होती है, और वो हाना को देख के बहुत शौक हो जाती है। वो फटाफट से अंदर जाती है, अपनी मॉम से लड़ाई करती है और बोलती है कि आप हाना को यहाँ पर लेकर क्यों आई हो। जिसमें उसकी मॉम घूंगी होती है तो वो उसे इशारों में बताती है कि उसके पास कोई और जगह नहीं थी जाने की और मैं ही उसका इकलौता सहारा थी। और क्या ये तुम्हारी बेटी है, तो वो बोलती है आप ऐसा क्यों बोल रही हो, ये मेरी बेटी नहीं है। तो वो बोलती है ये बिल्कुल तुम्हारी तरह लगती है जैसे तुम थी बचपन में। जिसमें हानमन बहुत गुस्सा होती है और अपनी मॉम को डांटती है और बोलती है कि आपको यहाँ से इसको निकालना ही पड़ेगा। तो वो मना कर देती है कि अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा ना तो तुम यहाँ पे मत आओ, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए तुमसे कोई कांटेक्ट भी नहीं कर रही हूँ, तुम चली जाओ यहाँ से।
जिसमें हान मोनो ने कहती है लास्ट टाइम कि आप ना जो हाना है ना इसे कभी भी किसी के सामने दिखाना मत और किसी को भी इसका रियल नेम मत बताना, बस इतना प्रॉमिस कर लो। और फिर उसकी मॉम प्रॉमिस करती है वो वहाँ से, और वो एक मतलब एटीएम में जाती है, वहाँ से पैसे निकालती है और अपनी मॉम की शॉप में दोबारा वापस आती है। तो वो देखती है शॉप बंद हो चुकी है और वो बहुत चिल्लाती है, खोलने की कोशिश करती है, पर अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं आती। तो वो वहीं बाहर बैठ के रोने लग जाती है। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है तेक और दो योन पे, जिसमें दो योन की जो बुआ होती है ना वो इन्हें एक रूम में एक घर में लेकर जाती है, और वहाँ पे काफ़ी सारे कंप्यूटर वगैरह होते हैं, और वहीं पे वो मिस्टर ली दामी की मॉम और दामी का फ़ोटो लगाती है और बोलती है कि जो हमारे पास पेन ड्राइव है ना इनमें से किसी से लिंक होगी और वो बहुत ही आसान पासवर्ड होगा, तभी उसने तुम्हें पासवर्ड भी नहीं बताना ज़रूरी समझा। तो वो बस यही सोच रहे होते हैं, जिसमें तेक बोलता है कि मुझे लगता है ना कि हमें ना जो मिस्टर ली का मतलब जो मिस्टर के है उनका जो ऑफिस था ना उसमें जाके ये सब सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से लुका को बनाया गया था। वहीं दूसरी तरफ हम मिस गो को देखते हैं जो अपने बच्चों को नए घर पे लेकर जाती है, और उसके बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और वो अपने बच्चों को ये भी बताती है कि अब हमारे घर में तुम्हारे डैड भी आने वाले हैं। और बच्चे सुन के बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि वो कौन है, जिसमें वो जिनमो का नाम लेती है, और उसकी बेटी बहुत खुश होती है क्योंकि उसे जिनमो ही अपने पापा चाहिए थे। और उन्हें खुश देखकर मिस गो कहती है अपने मन में कि अगर तुम खुश हो ना तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूँगी। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे में, जहाँ पे उनकी शादी की फ़ोटो मतलब जिनमो और मिस गो की शादी की फ़ोटो के लिए वो काफ़ी तैयार हुई हुई होती है, और डॉक्टर चाबी वहीं पे होती है और उसे बोलती है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, और गो बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है इस उम्र में ऐसे कपड़े मतलब शोभा नहीं देता ना, ऐसे लोग क्या बोलेंगे। तो वो कहती है कि नहीं बहुत अच्छे लग रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी इन कपड़ों को पहनने का जिनको नसीब ही नहीं हुआ। तो वहाँ से गेम आती है और बोलती है कि आप मेरी तरफ इशारा कर रही है ना, पर धीरे बोलो क्योंकि बातों को पतंगड़ बनते हुए टाइम नहीं लगता। तभी कुछ देर बाद मिस गो के बच्चे भी वहाँ पे आ जाते हैं, और वो अपनी मॉम को ऐसे देख के बहुत खुश होते हैं और कॉम्प्लीमेंट कहते हैं कि आप बहुत सुंदर लग रही हो। तो जो डॉक्टर चाहती है ना जो मिस गो का बेटा होता है फिलिप, उसके गाल खींचती है और बोलती है अरे तू तो कितना क्यूट लग रहा है एकदम गोलू मोलू होता, जिसमें वो कहता है कि मैं गोलू मोलू नहीं हूँ, मेरा नाम फिलिप है और आप मेरे गाल नहीं छू सकते, मेरे गाल छूने का हक सिर्फ मेरी मदर को है। जिसमें वो हंसती है वहाँ से जाती है, और जो मुंचल होता है उसको बोलते हैं कि काश अगर मेरी टाइम से शादी हो जाती ना तो मेरे भी ऐसे बच्चे होते हैं। देन उनके उसके बाद इन दोनों का फोटो जिनमो होता है वो बोलता है कि मुझे मैथ्यू ने कॉल किया है, मुझे वहाँ जाना है। तो वो मैथ्यू के पास जाता है तो वहाँ पे मेयर आए हुए होते हैं, तो मैथ्यू उन्हें जिनमो से मिलाता है और बोलता है कि इसे भी अब पॉलिटिशियन में आना है, और वो मतलब एक तरह से उसकी सिफारिश लगा रहा होता है। और मेयर भी काफ़ी खुश होते हैं मैथ्यू से, और वो बोलते हैं कि अगर आपको ये आदमी पसंद है तो ठीक है, आप समझो कि ये बन गया जो आप चाहते हैं। देन इसके बाद जो जन्मो होता है वो मिस गो के घर जाता है, और जो उनके बच्चे होते हैं वो सब कुछ प्रिपेयर कर रहे होते हैं खाना वाना, तो वो उन सब के साथ बैठता है। तो बच्चे भी काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें एक डैड चाहिए होता है और फाइनली उन्हें वो मिल गए। तो वो उसे खाना देते हैं कि आप ये ट्राई करो ये ट्राई करो होता है, पर जो जन्मो होता है ना वो उन बच्चों को देख कर ना उन बच्चों में मतलब खाना को ढूंढ रहा होता है, और मिस गो में मिस नो को ढूंढ रहा होता है, और मतलब उन्हें उन दोनों की याद आ रही होती है। तो वो वहाँ से चला जाता है, जिसमें मिस गो उसके पास जाती है और बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ और खाना है तो बोल दो। तो बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारी जो ये एंगेजमेंट ये जो है ना ये सब फेक है, तो तुम इसे सीरियसली मत लेना। जिसमें वो कहती है कि मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम बच्चों को हर्ट मत करना, बाकी अगर तुम्हें यहाँ सोना तो ठीक है मैं दूसरे रूम में सो जाऊँगी। तो बोलते नहीं तुम यहीं सो, मैं बाहर सोफे में सो जाऊँगा। देन सीन शिफ्ट होता है, हमें मैथ्यू दिखाया जाता है जो कि गियोम को बोल रहा होता है कि जो जिनमो है हम उसे इतनी बड़ी सीट दे रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बार धोखा देता है वो दो बार भी दे सकता है। जिसमें गियोम बोलती है तुम टेंशन मत लो, उस मिस गो है ना वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करेगी। जिसमें मैथ्यू कहता है हाँ तुम्हारी तरह नहीं है ना कि अपनी बेटी को ही मार दो। जिसमें वो चिढ़ती है और बोलती है कि भूलो मत मेरी वजह से तुम यहाँ पे पहुँचे हो। जिसमें वो बोलता है कि तुम गुस्सा मत करो हमें कल USA जाना है तो तुम तैयार हो जाओ। देन वो घर जाती है और बैठी हुई होती है सब सोच रही होती है और शराब पी रही होती है। तभी वो जो पैकिंग करने के लिए जाती है ना तो उसका एक वाइट कलर का बैग होता है उसे खोलती है, तो उसमें ना
जब मतलब वहाँ पे रेड पड़ी थी मैथ्यू के घर में, तो वहाँ पे जो उसका सीपीयू था ना, उसका जो एसडी कार्ड पेन जो भी होता है ना मेमोरी, वो उसने निकाल लिया था। देन उसके बाद वो सारा मतलब जो मेमोरी होती है ना, वो सब अपने लैपी में डालती है और वहाँ पे मतलब देख रही होती है, तो उसमें सारी रिकॉर्डिंग होती है जो जो उसने किया होता है। उसमें से एक होती है दामी की डेथ की, वो जब उसे खोलती है तो उसमें जब उसने दामी को मारा था ना, उस टाइम की रिकॉर्डिंग होती है जिसमें वो दामी को मारते हुए कह रहा था कि तुम्हारी माएँ तुम्हारे लिए कितनी ख़राब है ना, तुम्हें मारने की कोशिश की, तुम्हें इतना बुरा बिहेव किया तुम्हारे साथ, तो बताओ क्या करूँ, तुम्हें मारूँ या तुम्हारी माँ को। तो उसमें बोलती है कि मेरी माँ बुरी नहीं है, वो बस सिचुएशन गलत थी और मैं जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, और अगर तुम्हें मारना है ना तो तुम मुझे मारो और मेरी माँ को छोड़ दो। जिसे देखकर क्यों बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा होता है। तभी हमें एक अजीब सी जगह दिखाई जाती है जहाँ पे गुम होती है और चारों तरफ शीशे लगे हुए होते हैं, और शीशे में जो दामी थी ना उसके बचपन की फ़ोटो, और जब वो स्कूल गई, जब वो अपनी माँ के साथ बहुत खुश थी तब की, और जब उसे मैथ्यू ने मारा, उस सब की मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह चल रही होती है और उसको बहुत बुरा लग रहा होता है और वो वहाँ पे बैठ के रोने लगती है। तभी उसे शीशे में अपना ही रिफ्लेक्शन दिखता है जो उसे कोस रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया अपनी बेटी के साथ, जिसमें उसे चिल्ला के बोलती है कि वो बिल्कुल अपने बाप की तरह थी और उसे देखकर मुझे उसकी याद आती थी, जिसकी वजह से मेरा खून खौलता था, इसीलिए मैंने उसके साथ ये सब किया। तो जो उसका रिफ्लेक्शन वो बोलता है कि तुम एक माँ थी, तुम ऐसा नहीं कर सकती थी, और फिर उसकी रिफ्लेक्शन सारे शीशों में आती है और उसे बहुत ज़्यादा कोसती है, जिसमें उसे इतना ज़्यादा गिल्ट होता है कि वो बोलती है कि ठीक है आज मैं अपनी लाइफ ख़त्म कर दूंगी। और वो उस जगह पर जाती है जहाँ पे दामी को मारा गया था, और वहाँ पे उस अपने आप को मारने वाली होती है तब तक उस साइड में देखती है एक औरत, और वो औरत होती है दामी की स्टेप मॉम जिनके साथ वो पहले रहती थी। वो उसे बोलती है कि अगर तुम यहाँ पे अपने आप को ख़त्म कर दोगी तो उससे क्या होगा, मैथ्यू को कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, इसकी वजह से सिर्फ तुम्हें पेन होगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और तुम अपनी बेटी का बदला भी नहीं ले पाओगी। जिसमें ग्योम डिसाइड करती है कि मैं मैथ्यू को ही मार देती हूँ, तो वो वहाँ से फटाफट से निकलती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं तेक को और डोयोन को, जो कि मैथ्यू के फार्म हाउस टाइप में पहुँचता है। वहाँ पे वो जो स्कैनर होता है उसको हैक करता है, अंदर जाता है, वहाँ पे जो पूरा लूका का जहाँ पे बना हुआ था वहाँ पे वो पेन ड्राइव लगाता है और लूका को हैक कर रहा होता है, और वो हैक कर भी देता है और उसे सारी वीडियो मिलती है जो भी उस टाइम पे हुई थी दामी के साथ, वो सारी उसने वीडियो बना के रखी हुई थी। वहीं बाहर ग्योम भी पहुंच जाती है और ग्योम उन दोनों को देखकर बहुत शॉक होती है और उसका रियलाइज़ होता है कि दोनों बचे हुए थे। देन वहीं हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है कि जो ग्योम थी ना, उसने ही सब कुछ प्लान कर रखा था कि तेक को मारेंगे और उसके बाद उसे बचा देंगे, और फिर उसे बचा के उस आइलैंड में भेजने वाली भी वही थी। तभी उसे सुनाई देता है बाहर पे कि मैथ्यू आया, तो वो वहाँ पे एक वास होता है ना उसको वहाँ पे फेंक देती है, और वहाँ पे जो तेक होता है ना उनको भी पता चल जाता है कि बाहर कोई आया है और वो फटाफट वहाँ से भागता है। तभी तेक देखता है कि कोई तो है वहाँ पे, और यहाँ से एक ग्युम भी भागती है, और जो तेक का बॉडीगार्ड होता है ना वो भी उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है, और ग्युम अपनी जान बचा के वहाँ से भाग रही होती है, और वहाँ पे एक मतलब जानवरों को पकड़ने का एक जाल बिछा रखा था ना, उसमें उसका पैर फंस जाता है, लोहे का होता है वो, और उसके पैर में बहुत ज़्यादा गहरा घाव हो जाता है और बहुत ज़्यादा खून आ रहा होता है उसके। फिर वो बच के वहाँ से निकलती है। वहीं दूसरी तरफ तेक और दो योन भी अपने घर पहुँचते हैं और वो लुका के सारे मतलब हैक करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें तेक दो योन को बोलता है कि तुमने नोटिस किया उस टाइम पे कोई वहाँ पे था जिसने हमारी हेल्प की? तो तेक बोलता है हाँ मैंने भी देखा। वहीं जो क्यूम होती है वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से बच के निकलती है, और उसको मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी जिससे उसका ब्लड लॉस हो गया था, तो वो चक्कर खा के वहीं रोड पे गिर जाती है और बोल रही होती है भगवान से कि एक लास्ट चांस दे दो, मैं दामी के जितने भी मर्डरर हैं उन सबको सज़ा देना चाहती हूँ। तभी सामने से एक कार रुकती है और फिर उसके बाद वो बेहोश हो जाती है, और जब वो होश पर आती है तो वो देखती है उसी का कोई जान पहचान का था, उसने उसकी हेल्प की थी और वो उसको बोल रहा था कि जो तुम्हारे घाव है वो बहुत ज़्यादा डीप है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अदरवाइज सेफ्टी हो जाएगा और तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा।
तो वो बोलती है कि नहीं मैं हॉस्पिटल तो नहीं जा सकती पर तुम ही हो जो कुछ कर सकते हो। तो वो बोलता है कि यहाँ पे मेरे पास इक्विपमेंट भी नहीं है, एनेस्थीसिया भी नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वो बोलती है कि मेरा पैर काट दो, ऐसे ही काट दो, मैं होश में रहूँगी, ये मेरी सज़ा है जो भी मैंने अपनी बेटी के साथ किया है। तो वो ऐसे ही उसका पूरा पैर काट देता है आधा, और उसके बाद वो उसी के साथ एक मतलब बहुत ही अबेंडेंस सी जगह थी ना, वहाँ पे रहने लगती है, और वहीं पे वो मतलब नकली पैर प्रोस्थेटिक लेग्स लगा के उसमें चलने की कोशिश करती है और डेली प्रैक्टिस करती है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दो यून को जो कि हैकिंग के लिए कुछ बुक्स पढ़ रहा होता है और लुका को हैक करने का पूरा कोशिश करता है। तो तेक भी उसकी हेल्प कर रहा होता है, तो बाद में तेक उसे बताता है कि जो मिसाइल है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है और मुझे लगता है उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वहीं हम मिसाइल को देखते हैं जो कि छत में खड़ी हुई होती है और सुसाइड करने वाली होती है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वो अपनी बहन के लिए कुछ कर नहीं पाई और जिसने उसका एक्चुअल मर्डर किया था वो उसी के साथ मिली हुई थी। उस बात का उसे बहुत गिल्ट हो रहा होता है और वो जब कूद ही गई होती है तब तक वहाँ पे दोयोन आता है और उसको बचा लेता है। और दोयोन उसे बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रही थी, जिसमें बोलती है कि मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी क्योंकि मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाई। तो दोयोन उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा बदला लूँगा पर उसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम मूनचुल को देखते हैं जो भागे भागे मैथ्यू के पास जाता है और उसको बोलता है कि बताओ तुमने मुझे क्या बोला, कौन सा मिशन है, क्या पूरा करना है। इसमें वो कहता है मिशन कुछ नहीं है, तुम ये बताओ तुमने ग्यूम से बात की, तुमने उसे कहीं देखा। तो वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये कोई पागल आदमी है क्या, इतनी दूर से मुझे इतनी जल्दी बुलाया बस इसलिए। तो वो उसको बोलता है कि हाँ वो मेरे मतलब डॉक्टर चा के साथ है। तो वो कहता है तुमने पहले क्यों नहीं बताया। फिर वो वहाँ पर जाता है उससे मिलने के लिए। तो वो उसको बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए, तुम तो वो बोलता है कि तुम थी कहाँ तब से, मैंने तुम्हें कितने मैसेज कॉल किए पर तुमने एक भी रिप्लाई नहीं किया। तो बोल रही थी तो वो बोलती है कि मैं यूरोप गई थी किसी काम से, कुछ काम था मुझे इसीलिए। फिर उसके बाद जो मैथ्यू होता है ना वो उसका पैर नोटिस करता है, क्योंकि जो उसके साथ जो उसका चमचा था ना उसने उसको बताया था कि जब वो मतलब जो भी वहाँ पे जासूस भाग रहा था ना उसके पैर पर चोट लगी थी, तो उसे लगा कहीं ग्यूम तो नहीं है, तो वो उसका पैर देख रहा था पर उसमें कोई चोट नहीं थी। तो वो टेस्ट करने के लिए उसे बोलता है कि मुझको बिस्की पीने लेकर आ, जो ग्यूम होते हैं ना वो मिस डॉक्टर चा को बोल देती कि तुम लेकर आओ। तो वो लेने चली जाती है, तो वो उसको बोलता है कि तुम्हारे ना शूज़ अच्छे लग रहे हैं, ज़रा मुझे पास से दिखाना। तो उसको मतलब मन में होता है कि कहीं इस पर इसको मेरे पे शक तो नहीं हो गया, पर फिर भी वो कॉन्फिडेंस के पास साथ उसके पास जाती है और वहाँ पर पैर रखती है टेबल के ऊपर और उसे बोलती है देखो अब देखो। और मन में यही चल रहा होता है कि प्लीज़ मैं गिरूँ ना, उसे शक ना हो, उसे पता ना चले। तो तब तक वहाँ पे डॉक्टर चा आ जाती है, तो वो वहाँ से हट जाती है और फिर बैठ जाती है दोबारा। वहीं जो दोयोन होता है उसने फाइनली लुका को हैक कर लिया था, पर जब वो लुका को खोलता है ना तो जो मैथ्यू था ना उसने ऑलरेडी उसमें सिक्योरिटी सिस्टम इतना टाइट कर रखा था ना कि अगर कोई भी बाहर का घुसपैठिया घुसेगा तो वो फटाफट से 24 घंटे में जो मैथ्यू है ना उसको इन्फॉर्म कर देगा। तो वो बोल रहे होते हैं कि अब हम क्या करें। देन सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिशेल को जो कि मैथ्यू के पास गई हुई होती है और उसे अपना ऑफर दोबारा देती है मूवी बनाने का दामी के ऊपर। तो पहले तो वो उसको मना कर देता है, पर जो ग्योम होती है ना वो बोलती है कि मैं दामी की मदर होने के नाते तो मैं ये चांस ज़रूर देना चाहूँगी, तुम इसमें बना सकती हो मूवी। जिसमें मैथ्यू उसे घूर के देखता है और फिर उसके सामने वो भी कुछ नहीं बोल पाता, वो बोलता है ठीक है तुम बना लो, हमारी तरफ से तुम्हें हाँ है। तो उसके बाद हम देखते हैं जो ग्योम होती है ना उसने जानबूझ के उसे हाँ बोली होती है, क्योंकि उसने उसकी पहले बात सुन ली थी जिसमें वो दोयोन से बात कर रही थी कि अब मतलब मुझे ऑफर मिलने वाला है उनसे। और उसके बाद हम सबके सामने दामी के जो असली मर्डर है उनका चेहरा सामने लाएंगे। तो ये सारी बातें उसने सुन ली थी और वो भी कहीं ना कहीं मैथ्यू से बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो उसका साथ देती है। देन वो उसको लेकर वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ पे हान मून भी आती है और वो उसे देखकर भी बोलती है कि सबसे पहले तू ही मेरा। और हमें ग्योम का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्योम एक रूम में बैठी हुई होती है और वहाँ पे दामी की फ़ोटोज़ होती है और वो दामी की बचपन की वीडियो देख रही होती है और जिस दिन उसका मर्डर हुआ था वो भी देख रही होती है। और ये वही सीन था जो हमें इंट्रो सीन में दिखाया गया था। देन यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दोयोन, मिशेल, तेक
और दोयोन की बुआ को, जो कि सब अपने अपने जो प्रियजन जिन्हें मैथ्यू ने मार दिया था और जो मैथ्यू की वजह से इफ़ेक्ट हुए थे, उन सबको देख रहे होते हैं। और मैथ्यू को पूरा, मतलब उसकी जो बिजनेस था, सबको टेक डाउन करने और मैथ्यू को मारने का पूरा प्लान कर लेते अच्छे से, और ये सब आपस में मिल चुके थे। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है और मुझे तो पर्सनली इसका फर्स्ट सीज़न भी बहुत अच्छा लगा था। इतना ज़्यादा सस्पेंस था ना, इतना ज़्यादा थ्रिल था कि कहीं कहीं चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा खून खौल जाता है। सो गाइस, इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जस्ट मतलब एक दिन बाद ही डालूँगी। आई होप यू लाइक इट, और अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय, टेक केयर।